दोस्तों तो आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 11th के जो कि विषय है भौतिकी है, फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं फाइनल एग्जाम के लिए आपके। तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना है। पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो देखने से पहले अगर आपने क्वार्टरली एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम और हाफली एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। अधिकांश क्वेश्चन वही हैं इस वीडियो में भी। वैसे तो हमारे अधिकांश व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमारे हाफली के भी देखे होंगे, ठीक है, क्वार्टरली के भी देखे होंगे, प्री बोर्ड के भी देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं क्वार्टरली एग्जाम पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या पर साथ में भाई एसकी टीच लगा देंगे तो आ जाएगा, लेकिन फिर भी आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी हम आपको लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं इन तीनों क्वेश्चनों के, ठीक है। और वैसे तो हमने यूनिट बाय यूनिट बताए थे, उसमें लगभग लगभग सभी ने देख लिए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे गए हैं, तो इस वीडियो में हम आपको उन क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे। और जिन लोगों की तैयारी अभी तक बिल्कुल नहीं हुई है वो आपके क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम को अच्छी तरीके से कर लें, क्योंकि इनमें से अधिकांश क्वेश्चन आते हैं, आपने भी देखे होंगे। तो जिन स्टूडेंट्स की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर पर बात करते हैं। मैंने बिल्कुल ब्लूप्रिंट के हिसाब से बनाया है और ऑब्जेक्टिव मैं आपको बाद में बता दूंगा थोड़ी देर, एक दो दिन बाद। चलिए देख लेते हैं। देख पहला क्वेश्चन है कि ऐसा ही पद्धति से आप क्या समझते हैं मूल मात्रक एवं पूरक मात्रकों के नाम एवं संकेत लिखिए। देखिए आपके या तो मूल जो एक क्वेश्चन पूछा गया था त्रैमासिक हाफयली में आया था, तो इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए। मूल मात्रक एवं पूरक मात्रक के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद है कि विमीय समीकरण किसे कहते हैं, इसके उपयोग तथा एवं सीमाएं लिखना है। तो विमीय समीकरण 4 नंबर में पूछे जाने वाला सवाल है, तो ये आपको इसके उपयोग तथा सीमाएं भी लिखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं। गति के द्वितीय समीकरण एस बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर की आपको क्या जाँच करना है, ठीक है। वो विमीय विधि से आपको जाँच करना है गति के द्वितीय समीकरण की, तो आप कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं भौतिकी का समाज से क्या संबंध है। वैसे तो भौतिकी का रसायन से संबंध, भौतिकी का जीव विज्ञान से संबंध है, लेकिन फिर भी ये वाला है ना भौतिकी का समाज से संबंध, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जरूर करें और जो आप पढ़ेंगे वो तो आपको पढ़ना ही है। इसके बाद देखिए मापन में त्रुटियों से क्या तात्पर्य, और इनकी आपको बताना है कि त्रुटियाँ मापन में त्रुटियों से क्या तात्पर्य और ये कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। इसके बाद है कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, और ये ओटी में तो हमेशा पूछा जाता है कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, तो आपको क्या करना है परवलयाकार होता है। तो ठीक है, यहाँ पर करना है कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, आपके प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। अब गति के तीनों समीकरणों का निगमन कीजिए, तो आपको गति के तीनों समीकरण का निगमन करना है। मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि मैंने हर वीडियो में जो मैंने पहले बनाई थी उसमें सभी में लिखे थे, इसलिए इस वीडियो में नहीं लिखे। इसके बाद देखिए सदस्यों के योग के लिए त्रिभुज नियम तथा समांतर चतुर्भुज का नियम लिखिए, ये आपके त्रैमासिक में पूछा गया था, इनमें से एक नए क्वेश्चन तो आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। और निम्न को सिद्ध कीजिए, इनमें से एक नए क्वेश्चन आना ही है। वैसे प्रक्षेप का परवलयाकार इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप ये उड्डयन काल, क्षैतिज, परास और अधिकतम ऊंचाई के लिए कर सकते हैं। अगर ये तीनों में से आप नहीं हो रहे हैं यहाँ, तो प्रक्षेप का परवलयाकार है ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको अच्छी तरीके से करें, फिर इनको आप कर लीजिए। फिर इसके बाद आवर्तकाल और आवर्ती में संबंध ये पूछ सकता है। इसके बाद निम्न को परिभाषित कीजिए दोस्त, तो क्या पहले बल है, और इसके आपको विमीय सूत्र भी पूछ सकता है कि बल का विमीय सूत्र क्या है, संवेग को परिभाषित करना है, क्योंकि ये 2 नंबर में पूछा जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया। जड़त्व किसे कहते हैं, ठीक है, जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं, तो आपको पूछ सकता है कि गति का जड़त्व किसे कहते हैं, दिशा का जड़त्व किसे कहते हैं, विराम जड़त्व किसे कहते हैं, तो ये इसके अंदर भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि आपको जड़त्व अकेला ही पूछे, ठीक है। इसके बाद न्यूटन की गति संबंधी आपको प्रथम नियम पूछ सकता है, द्वितीय नियम पूछ सकता है, द्वितीय नियम वेरी इंपॉर्टेंट है और द्वितीय नियम बहुत बार पूछा भी गया है एब, ठीक है। तो द्वितीय नियम आप अच्छी तरीके से कर लें, और द्वितीय नियम के द्वारा एब बराबर एम 4 नंबर में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। द्वितीय नियम के साथ आप तृतीय नियम भी कर लें, इन तीनों में से एक ना एक आ सकता है, निम्न को परिभाषित आपने कर लिया होगा अच्छी तरीके से। अब चलिए इस साइड देख लेते हैं। देखिए इस साइड आपको दी हुई है कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से एफ बराबर एम ए को सिद्ध कीजिए, मैंने अभी बोला था वही है। अब एक न्यूटन और एक डायन में संबंध, दोस्तों ये एक हमेशा पूछा जाता है एक न्यूटन बल किसे कहते हैं, तो आपको एक न्यूटन बल भी ध्यान में रखना और एक डायन, क्योंकि जब इसमें संबंध आप स्थापित करेंगे तो आपको तो ये पता होना चाहिए कि एक न्यूटन बल एक न्यूटन किसे कहते हैं और एक डायन किसे कहते हैं, ठीक है, और एक न्यूटन बराबर कितना होता है, ठीक है, जब आप करेंगे तो आपको आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम इंपॉर्टेंट है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं कि रॉकेट नोदन का सिद्धांत लिखिए तथा इसके त्वरण का व्यंजक लिखिए, तो ये आपको रॉकेट नोदन का सिद्धांत लिखना ही, साथ में इसके त्वरण का व्यंजक भी लिखना है। इसके बाद घर्षण बल किसे कहते हैं, लाभ एवं आपको घर्षण बल से क्या लाभ होते हैं और एवं हानियाँ लिखना है, ये किस प्रकार हानियाँ
इसके इससे किस प्रकार हानियाँ पहुँचती हैं हम लोगों को। इसके बाद एक सिद्धि कीजिए कि स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान घर्षण कोण की स्पर्श जा के बराबर होता है। तो आपको सिद्ध करना है कि जो स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान होता है वो स्पर्श जा के बराबर होता है। चलिए ठीक, अब इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि सर्पी घर्षण और लौटने घर्षण में अंतर पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। कार्य एवं ऊर्जा की परिभाषा लिखना है, तो दोस्तों आपको कार्य एवं ऊर्जा की परिभाषा लिखना है। एक बार सिद्ध कीजिए आप गतिज ऊर्जा कही आपको सिद्ध करना है के बराबर एक बार तो एम बी स्क्वायर, और सिद्ध कीजिए डब्ल्यू बराबर यानी आपको कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखना है। ठीक है, किसी बल द्वारा किया जा रहा कार्य उस वस्तु की गतिज जो परिवर्तन होता है उसके बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि आपको शक्ति और ऊर्जा में अंतर, आपको डेफिनेशन तो शक्ति की जैसे लिखेंगे अंतर, तो शक्ति की डेफिनेशन उसमें हो जाएगी, ऊर्जा की भी उसमें हो जाएगी। इसके बाद एक सिद्ध कीजिए कि पास आने का अपेक्षित वेग दूर जाने के अपेक्षित वेग के बराबर होता है। इनको अच्छी तरीके से कर लेना, ये फाइनल एग्जाम में अधिकतर इनमें क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं, वीडियो लंबी होगी क्योंकि फाइनल एग्जाम है तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिनमें से हमने अधिकतर क्वेश्चन जो सेलेक्ट किए हैं इनमें से आप अच्छी तरीके से कर लीजिए ये क्वेश्चन, और जो आपने हमने जो हमने आपको क्वार्टरली एग्जाम हाफली एग्जाम के बताया उनको भी अच्छी तरीके से कर लेना। अब जड़ आघूर्ण किसे कहते हैं, और सिद्ध करना है कि आई बार आवार समीशन एम आर स्क्वायर होता है सिग्मा चन। ठीक है, इसके बाद जड़ आघूर्ण संबंधी लंबक अक्ष प्रमेय एवं समांतर अक्ष प्रमेय लिखना है, दोनों एक साथ नहीं पूछी जाएंगी, बहुत वीडियो में मैंने ये बताया भी था, दोनों अलग अलग पूछी जाएंगी, दोनों में एक ना एक तो आना है, दोनों अच्छी तरीके से कर लीजिए। कोणीय संवेग संरचना का नियम लिखिए, तथा सिद्ध कीजिए, इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से कर लेना। इसके बाद ग्रह की गति संबंधी कैपलर के नियमों को लिखिए, दो नंबर में पूछा जाएगा तो इसके तीनों नियम अच्छी तरीके से कर लीजिए, अगर चार नंबर पूछा जाएगा तो आपको व्याख्या सहित करना पड़ेगा। इसके बाद न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखना है आपको, तो चलिए लिख लीजिए आप लोग। और स्मॉल जी और कैपिटल जी में आपको अंतर लिखना है, इंपॉर्टेंट अंतर है, इसको अच्छी तरीके से लिए। और प्लायन वेग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है प्लायन वेग किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि प्लायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान केंद्र पर निर्भर नहीं करता, तो आपको सिद्ध करना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से नियम के द्वारा कैपलर के तृतीय नियम को सिद्ध कीजिए, तो मैंने अभी क्या न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से कैपलर की तृतीय नियम को सिद्ध करना, और ये क्वेश्चन ये भी है कि कैपलर के तृतीय नियम के द्वारा न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण को सिद्ध कीजिए, तो ये भी आप कर लेना, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हो जाएगा तो इसका अपोजिट वाला करना है तो वो भी आप कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद है कि धारा रेखी प्रवाह एवं विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर, तो कोई तीन अच्छी तरीके से कर लेना। ठीक है, इसके बाद अविरतता का सिद्धांत लिखना है आपको, और मैंने सर डेनियल बर्नौली का सिद्धांत नहीं लिख पाया, आप कर लीजिए। और हुक्का नियम लिखना है, इंपॉर्टेंट है हुक्का नियम। ठीक है, और पॉइसन अनुपात क्या है, दो नंबर पूछा जाता है पॉइसन अनुपात क्या है, तो ये आप लिख लीजिए। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रत्याशित एवं सुघट्य वस्तुओं में अंतर, इंपॉर्टेंट अंतर है, बहुत बार पूछा गया है, प्रत्याशित एवं अप्रत्याशित वस्तुओं में पूछ सकता है अंतर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ससंजक एवं असंजक बलों को समझाइए, तो आपको ससंजक एवं असंजक बलों को समझाना है। चलिए इसके बाद देखते हैं, पास्कल का नियम लिखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद सिद्ध कीजिए कि बहती हुई द्रव की ऊर्जाओं का योग सदैव नियत रहता है, तो आपको सिद्ध करना है कि बहती हुई द्रव की यानी आपको डेनियल बर्नौली की प्रमेय लिखना है। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा एवं ऊष्मा धारिता में आपको अंतर लिखना है, विशिष्ट ऊष्मा एवं ऊष्मा धारिता में अंतर। इसके बाद देखते हैं, चालन समय और विकिरण में अंतर लिखना है। ठीक है, ऊष्मा स्थानांतर की प्रमुख तीन विधियां हैं, एक दो नंबर में पूछ सकता है ऊष्मा स्थानांतर की प्रमुख विधियां कौन सी हैं, तो चालन समय विकिरण होती हैं, और इसमें अंतर तो बहुत बार पूछा गया कि चालन समय और विकिरण में अंतर बताइए, तो इसको अच्छी तरीके से कर लें, सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से ही कर लें। चलिए इसके बाद स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम से न्यूटन का शीतलन नियम लिखिए, तो जिन लोगों ने क्वार्टरली एग्जाम हाफली एग्जाम और प्रीवियस एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो देख लें, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन वही हैं इस वीडियो में भी, जिन लोगों ने देखा होगा उनको सभी पता चल गया होगा। एक बार देखते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर, यह इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्क्रमणीय प्रक्रम में और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम और समतापी प्रक्रम, समतापी और एक और है रुद्धोष्म प्रक्रम में अंतर, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं, कार्नो इंजन का सिद्धांत क्या है, इसके मुख्य भागों का सत्य वर्णन कीजिए, तो कार्नो इंजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है तो इस बार आने की संभावना है। इसी बात है कि अणुगतिक सिद्धांतों के मुख्य अभिग्रहितों को लिखिए, तो आपको अणुगतिक सिद्धांत के मुख्य अभिग्रहितों को लिखना है। ठीक है, और इसके बाद कि आदर्श गैस समीकरण पी वी बराबर एन आर टी, आपको आदर्श गैस समीकरण लिखना है पी वी बराबर एन आर टी को। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, सरल आवर्त गति किसे कहते हैं, विशेषताएं लिखना है इसकी, आपके अभी प्री बोर्ड में पूछा गया था। और आदर्श गैस में आपको बोयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम, गैलुसाक का तो इसमें लागू नहीं होता, लेकिन गैलुसाक का नियम भी आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्योंकि केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं, सरल आवर्त गति करते हुए कण के त्वरण एवं विस्थापन समीकरण स्थापित कीजिए, तो दोस्तों ये क्या सरल आवर्त गति करते हुए कण के या तो त्वरण का पूछेगा कि त्वरण का समीकरण स्थापित कीजिए, या फिर
ये तो इतना पूछ लेगा, फिर पूछेगा कि सरल आवर्त गति करते हुए एक कण का विस्थापन समीकरण स्थापित कीजिए, इन दोनों में एक ना एक पूछे जाने वाला है, ठीक है। इसके बाद एक प्रगामी एवं अप्रगामी तरंगों में अंतर लिखना है, तो आपको प्रगामी और अप्रगामी तरंगों में लिखना है। तो ये हमने आपको इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, इनको अच्छी तरीके से कर लेना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ जो पेपर होते हैं उनका सॉल्यूशन डालते रहते हैं। तो चलिए अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, और जिन लोगों का अभी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है वो जो अभी पेपर हुए हैं त्रैमासिक आप जल्दी प्री बोर्ड के अच्छी तरीके से करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल SKTeach।